वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बस आज गुड गुड ही हूँ क्योंकि आज जो है वो एक मिसहैप हो गया और ये मेरा सालन जल गया जी। तो सालन जो है वो मेरा जल गया बड़े मजे का। मैं अरवी गोश्त बना रही थी और बस क्या बताऊँ, उसको रखती हूँ मैं यहाँ। तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त, आज बड़ा मूड था कि रोटी सालन खाएंगे, बड़े ज़बरदस्त जो है वो सालन में बनाने जा रही थी, लाल लाल शोरबे वाला सालन। तो लेकिन हुआ क्या के वो मैं किचन से निकली, 10 मिनट थे कि 10 मिनट के बाद आके इसको मैं बंद करती हूँ और मैं गई अंदर रूम में और मैं दूसरे कामों में लग गई। और मैं जब बाहर निकली बहुत तेज से खुशबू आ रही थी और मैंने कहा यार आज किसने अपना सालन जला दिया। तो एकदम हुआ क्लिक और यार ये तो मेरा ही सालन है, मुझे लग रहा भागी हूँ और आई हूँ तो ये पूरा सालन जो है वो जल चुका था। तो खाना हमारा जल गया जस्ट 30 मिनट पहले जो है अफ्तार से। तो फिर मैंने सोचा कि हस्बैंड ने कहा बाहर से ले आऊँ, बच्चों ने कहा बाहर से ऑर्डर करवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ब्राउन मॉम, कैसे बाहर से ऑर्डर होगा, नहीं नहीं हमने घर में ही बनाना है। अच्छा और मसला ये है कि रमजान में जो है लास्ट आवर में जो है वो आपका ऑर्डर भी नहीं होता। तो बारह मैंने वो ब्राउन मॉम्स वाली दिमाग की बत्ती जलाई, दिमाग घुमाया कि फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है, फ्रीजर में क्या क्या रखा हुआ है, और फटाफट जो है वो मैंने रेडीमेड मील निकाला और मैंने बनाए हैं बड़े जबरदस्त से। क्या तो चल के देखते हैं, रेसिपी भी बता देती हूँ। उस बहाने जो है वो बड़े मजे की जो है वो दो चटनियों की रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ और बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। सालन जो है वो मेरा जल गया, 30 मिनट जो है वो मेरे अफ्तार में रहते हैं और सालन जो है वो जल गया। और ये सालन जो है बड़े शौक से और दिल से मैं बना रही थी अरवी चिकन का शोरबा, कि यार हम ये जो है आज खाएंगे, रोटी सालन एंजॉय करेंगे। तो ये हाल हुआ है और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ घर में रखी है जो विद इन 30 मिनट जो है वो बनाई जाए। 3 टेबल स्पून केचप लिया है, इसमें वो 2 टेबल स्पून जो है मायोनीज जाएगी। अब इसमें जाएगा ये हनी, 1 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली सॉस। इसको जो है वो हमने अच्छे से कर देना है मिक्स। ये आपके लिए बहुत ही मज़े की शावरमा सॉस जो है वो रेडी है, चटपटी सी। अब एक दूसरी सॉस बनाएंगे, वाइट सॉस जो स्पेशल शावरमा सॉस होती है, अब वो बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है मायोनीज ली है और 3 टेबल स्पून जो है योगर्ट जाएगी, बट ये योगर्ट जो है इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी निकला हुआ है इसका, हंग कर्ड कह दें आप। हंग कर्ड जो है वो ज़्यादा टाइट होती है बट ये हंग कर्ड नहीं है। यहाँ 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने योगर्ट डाल दी है, बट योगर्ट में जो है वो ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना ये सॉस अच्छी नहीं बनेगी। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून जो है वो मैं ओरिगैनो डाल रही हूँ। इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन, फ्यू ड्रॉप्स। इसको मैंने मिक्स कर देना है अच्छे से। इसमें 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट जाएगा। पहले मैंने सोचा कि नहीं डालते हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, इसमें सॉल्ट जाएगा क्योंकि मैंने योगर्ट डाला हुआ है, तो योगर्ट की वजह से जो मायोनीज का सॉल्ट है वो फीका पड़ जाएगा और शावरमा में जो और शावरमा की सॉसेस जो हैं उसमें सॉल्ट थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, यानी स्वीट सावर सॉल्टी ये ज़रा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जी हमारी सॉस रेडी हो गई है। तो ये सॉस जो है थिक होनी चाहिए। तो हमारी दोनों जो हैं सॉसेस रेडी हैं। ये वाली जो हमारी सॉस है ये हॉट एंड स्वीट है और ये जो है ये हॉट एंड सावर है। तो ये दोनों सॉसेस जाएंगी तो आपका शावरमा जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, चाहे आप किसी भी चिकन से बनाएं। और मैं भी जो है वो रेडीमेड चिकन से ही शावरमा बनाने जा रही हूँ। तो जी रेडीमेड जो है क्रिस्पी चिकन फिलेट हैं, वही जो है मैं फ्राई करने जा रही हूँ क्योंकि अब इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। बच्चे तो वही खुश होंगे कि ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत से फ्राई हो गए। ये रेडीमेड टॉर्टिलास लिए हुए हैं और इसके ऊपर जो है स्पाइसी टॉर्टिलास हैं, लेकिन इसलिए इनका कलर जो है वो रेड रेड सा है। तो ये रेडिश कलर के स्पाइसी टॉर्टिलास हैं, इस पे लगा रहे हैं क्रीम चीज़। ये जो बॉटल में क्रीम चीज़ आता है वही क्रीम चीज़ जो है वो इस पे लगाया है। तो ये आपको चिकन इस तरह से रखना है, एक बड़ा पीस और एक जो है वो छोटा पीस आप रख लें बस। तो चिकन जो है वो हमने रख लिया है, जो है वो शावरमा स्पेशल सॉस डलेगी। क्योंकि सावर है तो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बहुत भर भर के नहीं डालेंगे, बट इतना डालेंगे कि इसका टेस्ट आए, चिकन का भी टेस्ट आए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जो है कोई भी एक चीज़ ज़्यादा डालते हैं तो फिर सिर्फ उसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, बट हमने जो है वो इतनी क्वान्टिटी में सारी चीज़ें डालनी है कि जितनी भी चीज़ें शावरमा में ऐड होती हैं उन सब का जो है फ्लेवर आना चाहिए। अब जो है ये रेड सॉस जो मैंने बनाई थी हॉट एंड स्वीट, ये मज़े की इस तरह से आपने ये डालनी है।
अब इसके ऊपर जो है वो थोड़े से हम लेट्यूस डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत खूबसूरत भी लगता है शावरमा, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा सा जो है ये ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ के जो है वो मैंने करने हैं हाफ़ स्लाइस, तो ये हाफ़ स्लाइस जो है वो इसमें जाएगा और हाफ जो है वो हम दूसरे शावरमे में डालेंगे। इसको भी हमने बिल्कुल इस तरह से लॉन्ग कट इस तरह से करके रखना है। अच्छा, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से जो है रैप करना है। देखिए, अच्छा खासा तगड़ा शावरमा जो है ये बना है, कितना खूबसूरत जो है ये वो शावरमा बना। अब मैं पकौड़े जो फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया है अफ्तार में, बस हमें 2-3 मिनट का हार्डली जो है वो टाइम रह गया है। और ये जो है हमारा जला हुआ सालन रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको यहीं रखकर रहने देते हैं और हम जो है वो इंजॉय करते हैं। क्या तो हम जो है ये ज़बरदस्ती शावरमस जो है वो इंजॉय करते हैं, चलते हैं अफ्तार टेबल की तरफ। तो आप भी जो है इस तरह के क्विक शावरमा जो है वो फटाफट बना सकते हैं विद इन 30 मिनट। तो ये है मेरी आज की अफ्तार टेबल, जिसमें पकोड़े हैं, और फर्स्ट टाइम आज हमारे अफ्तार टेबल पे पकोड़े हैं। इसके साथ हमने ये शावरमा बनाया और ये कल का सालन रखा हुआ है, तो वो जो है हम आज इस्तेमाल कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के क्विक शावरमा की रेसिपी देने का मकसद ये था कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए इस तरह का, तो पैनिक नहीं होना और उसके लिए कोई बहुत अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लेना है। तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई ना कोई जो है वो अच्छा सोल्यूशन हमेशा हर प्रॉब्लम का निकलता है।